हेलो ऑल, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैनम बॉश का जो हमारा लेक्चर चल रहे थे, तो उसमें हमारा ये आज थर्ड लेक्चर है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एसिड वॉश या मून वॉश, आज हमारा टॉपिक है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसका हम प्रोसेस फिर देखते हैं कि आपने लोडिंग करना है गारमेंट को एंड स्टोन को। उसके बाद आपने रिसाइजिंग करना है 10 से 15 मिनट। देन आपने ड्राइंग करना है, फिर आपने ड्राई टम्बलिंग टम्बलिंग करना है 10 से 30 मिनट के अंदर, फिर ठंडा करना है पानी के बगैर। ठंडा करेंगे पानी के बगैर, देन एंटी क्लोरीन इस्तेमाल करेंगे हम। एंटी क्लोरीन और क्लोरीन के बाद ज़्यादा सफ़ेदी आपको हासिल हो जाएगी। देन आप सॉफ्टनिंग करेंगे एंटी क्लोरीन बाइसल्फेट या परऑक्साइड, ज़्यादा सफेदी हासिल होगी। देन आप सॉफ्टनिंग करेंगे और ड्राई टम्बलिंग करेंगे। ये इसका प्रोसेस फ्लो है पूरा। इंग्लिश में हम देखते हैं इसको, लोडिंग गारमेंट एंड स्टोन 10 to 15 मिनट्स हम रिसाइजिंग करेंगे। देन आप ड्राइंग करेंगे, ड्राई टम्बलिंग करेंगे 10 से 13 मिनट्स, कूलिंग विदाउट एडिंग वाटर, एंटी क्लोरीन बाइसल्फेट और परऑक्साइड इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिमम ब्राइटनेस आपको हासिल हो जाएगी। देन आप सॉफ्टनिंग करेंगे एंड टम्बल ड्राई करेंगे। इसका रिटर्न प्रोसीजर इस तरीके से है कि एसिड वॉश या आइस वॉश खुश्क टम्बलिंग से होती है, जिसमें पहले से एसिड मैलूल में डिप हुए स्टोन इस्तेमाल किए जाते हैं। वॉशिंग के जुज़ियात क्या क्या होते हैं? स्टोन पहले से एसिड मैलूल में डिप होता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड 5 to 10% और पोटाशियम पर मैगनेट 3 to 6% इस्तेमाल होता है इसमें। इसमें हम स्टोन को डिप करके रखते हैं। इस प्रोसेस में स्टोन को मैश फैब्रिक या नेट में डालकर पोटाशियम पर मैग्नेट में 1 से 2 घंटे भिगो कर रखा जाता है। इसके बाद बाकी मैलूल को गिरा दिया जाता है। इस तरीके से बहुत अच्छा ब्लीचिंग इफेक्ट आता है। गारमेंट का जो हिस्सा ऊपर की तरफ होता है वो लाइट, और जो निचली तरफ होता है वो गहरा ही रहता है। केमिकल की लीटर में तादाद, केमिकल की जितनी तादाद होगी वो उसके इफेक्ट पर मुनसर होगी, इसलिए केमिकल की तादाद को बड़े अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश करना है। ये प्रोसेस एक मुश्किल तरीक़ेकार है, जिसमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक नतज हासिल करना एक मुश्किल अमर है, मगर ये तरीका अच्छा और कम कीमत है। अगर आपका मतलूब स्टैंडर्ड हासिल ना हो तो बार बार दोहराने पर हाइपोक्लोराइड केमिकल सेलुलोज को ख़राब करता है, इसकी वजह से फैब्रिक का टूटना, सीम और पॉकेट पर पिन होल के मसाइल आते हैं। इसके साथ साथ हाइपोक्लोराइड क्लोराइड एक खतरनाक केमिकल है, फ्लोर पर इस्तेमाल से पहले इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। ये इसका प्रोसेस था पूरा, जो हमने आपको बताया अभी किस तरीके से हम इसको करते हैं, वॉश करते हैं और किस तरीके से हम डिप करके रखते हैं हाइपोक्लोराइड के अंदर स्टोन को। इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं हम। एसिड वॉशिंग और आइस वॉशिंग इज यूजुअली डन बाय ड्राई टम्बलिंग द गारमेंट विद क्यूमिक स्टोन प्री सॉक्ड इन एन एसिड सॉल्यूशन। द प्रोसेस इन्वॉल्व सॉकिंग ऑफ क्यूमिक स्टोन इन अ नेट और मैश फैब्रिक इन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट फॉर एट लीस्ट 1 to 2 आवर्स एंड ड्रेनेज ऑफ एक्सेस लिगो। दिस ट्रीटमेंट रिजल्ट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग इफेक्ट एट रेस पार्ट वेयर द लोअर पार्ट रिमेन डार्क। केमिकल क्वान्टिटी डिपेंड ऑफ इफेक्ट रिक्वायरमेंट। दिस प्रोसेस इज क्रिटिकल प्रोसेस एंड इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। हाइपोक्लोराइड इज अ हार्श केमिकल, बाय वॉशिंग अगेन एंड अगेन इट विल ब्रेक सेलुलोज रिजल्टिंग फैब्रिक स्ट्रेंथ लॉस, लीकेज एंड पिन होल एंड सीम्स एंड पॉकेट। पॉकेट के ऊपर पिन होल्स एंड ब्रेकेज की आपको मसले मसाइल आ सकते हैं। तो ये हमारा था आज का थर्ड लेक्चर वॉशिंग का, इसमें हमने आज डिस्कस की। इससे पहले हमने स्टोन वॉश डिस्कस की थी, आज हमने एसिड वॉश और मून वॉश डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई और वॉश आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसे वॉच कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत कारामद है, बहुत काम आएगी आपको। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप इम्फेसाइज करें कि वो ये वीडियोस वॉच करें, तमाम जो हमारे चैनल के ऊपर हैं, इन्फो के ऊपर, उससे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।